गाइस, अब हम आ चुके हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स क्या है? सिंपल, फर्स्ट एग्जाम्पल 11th वाला ध्यान से देखो। तो बोला क्या है, एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड ऑफ टू एक्स प्लस फोर। नथिंग टू पैनिक गाइस, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से देखना, सिंपल है। ये चेक करना है कि x प्लस टू इन दोनों का फैक्टर है या नहीं। मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोला था कि जीरो और फैक्टर में थोड़ा सा अंतर होता है, जीरो से ही फैक्टर बनता है। जब जीरो चेक करना होता था तो क्या करते थे, वैल्यू रख देते थे। फैक्टर चेक करने पे भी वैसे ही होने वाला है। सिंपल देखना, x प्लस टू को इसमें रख के देखना है कि क्या होगा। तो मतलब x प्लस टू फैक्टर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो रखते हैं पहले अपन, x इज इक्वल टू माइनस टू कर लेते हैं। यही होगा ना, टू उस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये बेसिकली हमें ये चेक करना है कि x की वैल्यू पूरे में माइनस टू रखने पे क्या जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। चेक करें क्या, एक और बार समझ लो, x प्लस टू को जीरो लिया, x की वैल्यू हो गई माइनस टू। इस वैल्यू को चेक करके देख लो, ये तो अपन कर ही सकते हैं, अपन सेवेंथ एट्थ क्लास से करते आ रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल है। अब देखते हैं, तो गाइस सॉल्व करने पे देखो, मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल पी एक्स में ध्यान से देखना, एक्स की जगह माइनस टू रख के देखा, माइनस टू क्यू प्लस थ्री इंटू माइनस टू होल स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। सॉल्व करने के बाद गाइस, अब ये तो आपको मालूम ही होगा, फिर से रिवाइज करवा दूं। बेसिक छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जैसे मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं कि किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड पावर हो तो आंसर नेगेटिव में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इफ द पावर इज इवन द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के लिए, राइट। बस इतना ब्रश करते चलो, आगे बहुत काम में आता है, सिली मिस्टेक्स होने से बचाता है। खैर एनीवेज, देखो क्या हुआ, मैजिक हो गया, आंसर आ गया जीरो, यानी कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इतना तो क्लियर हो गया। अब चलो अपन नेक्स्ट पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं, टू एक्स प्लस फोर के लिए। यहां भी गाइस, यहां भी मैजिक हो रहा है, मैजिक ऑल ओवर, राइट। तो अरे ऐसे ऐसे डर मत जाना, ऐसे यहां लिखा है जो मैंने ऐसे यहां लिखा, कोई उससे कोई चिंता की बात नहीं, दैट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अगेन रिवाइजिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय एनी लेटर, सिंपल। अब ये आ गया जीरो, मतलब एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ टू एक्स प्लस फोर, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, सिंपल हो गया। इतना तो क्लियर है गाइज। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 12 देखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। अब मन की बात पढ़ लूंगा मैं आपके, सर ये के बहुत परेशान करता है भैया, ये के इट्स वेरी इरिटेटिंग, ये पिक्चर में एक विलन की तरह है हम लोगों के लिए। आई एग्री, मैंने भी बहुत सोचा था के बारे में, सोचता रहता था यार के क्या आ जाता है बीच में, कुछ नहीं है, आपको बताता हूं, बहुत आसान। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना गाइस, कोई भी दूसरा वेरिएबल दिया हो निकालना, तो उसको बोला करो कि तुम दिए तो हुए हो, निकाल ही लेंगे, यू आर ऑलरेडी गिवन, विल फाइंड यू आउट, कहीं तो ओके। अब कैसे फाइंड करना है, द आंसर लाइज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, यू आर ऑलरेडी गिवन। गिवन क्या है आपको, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, यानी कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, यानी कि सिंपल है कि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वही सेम प्रोसेस, x इज इक्वल टू वन क्या होगा इसका, जीरो। वन रखने पे यहां पर क्या आ रहा होगा, जीरो। लेट्स चेक, हो सकता है आ रहा हो। गाइस, दो बहुत ही जरूरी बात है, एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फैक्टर निकालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि इज इट अ फैक्टर और नॉट, बट इस क्वेश्चन में क्लियरली अगर आप फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, मैं एडवाइस करता हूं फिर से क्वेश्चन रीड करें, इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। तो हमें ये एज्यूम करके ही चलना है कि जब पॉलिनोमियल में
वन रखेंगे एक्स की जगह तो आंसर क्या आना है, जीरो। देखो पॉलीनोमियल में वन कैसे रखेंगे, फोर इंटू वन होल क्यूब प्लस थ्री इंटू वन होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो, सिंपल। अब आगे फोर इंटू वन क्यूब इज फोर प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर इज थ्री माइनस फोर प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो, फोर एंड माइनस फोर गेट्स कैंसल्ड हेंस के इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो क्या दिक्कत थी इसके वाले क्वेश्चन में, जो लोग भी के से डरते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सब डरते होंगे, कुछ लोगों को आता भी होगा, जो लोग भी डरते हैं क्या जरूरत क्या है इस के से डरने की, सामने तो है, सिंपल है, राइट। गाइस 13 क्वेश्चन, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो गाइस सिंपल है बहुत, हम मिडिल टर्म से इसको करने जा रहे हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म से सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर थ्योरम मैं आपको समझा चुका हूँ, हिडन ट्रायल मेथड, कोई भी नंबर आप रख के देखो उसमें फैक्टर जीरो आ रहा होगा तो वो फैक्टर होगा, वरना कैन ट्राई बाय अनदर नंबर। लेकिन इंपॉर्टेंट है मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दिखाऊं, आपको ये बहुत काम में आने वाला है आगे। सो लेट्स सी, पॉलीनोमियल हमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो पहले तो वही प्लस 17x इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो टेक इट वेरी सिंपल गाइस, मैंने क्या बोला था, पहले देखो कि 6x स्क्वायर और 5 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आराम आराम से 5 इंटू 6x स्क्वायर क्या आएगा प्रोडक्ट, 6 5 सा 30x स्क्वायर, यानी कि ये हमें इसको स्प्लिट करके निकालना है, इतना ही तो है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि ये आ जाए, इतना ही तो है और क्या है, सिंपल है। तो ये करने के लिए हमें एक काम करना होगा, 17 को ऐसे स्प्लिट करना होगा कि ये वैल्यूज आए। अब जैसे कि आप जानते हैं 15 टू सा क्या होता है गाइस, इट्स 30, राइट। अगर मैं 17x को 15x प्लस 2x लिखूंगा, कोई गलती तो नहीं हुई, यही होगा। तो देखो 6x स्क्वायर प्लस, अरे सर न्यू पेन आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच, आ गया पेन, अच्छा लग रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, इतना तो समझ में आ रहा होगा, 17 को स्प्लिट कर दिया यार, कुछ नहीं किया, इतना तो क्लियर, और कोई एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अगर ध्यान से देख रहे हो क्या कॉमन आ सकता है इसमें, 3x कॉमन आ सकता है क्या, अगर मैं 3x कॉमन निकालूं तो क्या आएगा, 2x प्लस 5, देख लो एक बार फिर से देख लो, यदि मैं इसमें से 3x कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, 3 इंटू 2 6 6x स्क्वायर वापस, 3 इंटू 5 15x वापस, सिंपल। प्लस यहां पे 1 कॉमन निकाल के 2x प्लस 5 कर देता हूं, यहां 0, और अब फिर से ये दोनों कॉमन है तो ये फिर से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x और 1, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर रूल नंबर 2 हमने आपसे बात की थी कि फर्स्ट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5/2, देन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, एंड दीज टू आर द आंसर्स। जस्ट बिकॉज इट्स पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 द आंसर विल बी 2, तो दो आंसर्स आते हैं, सिंपल, फैक्टराइज हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट से, फैक्टर थ्योरम से करेंगे तो भी यही आंसर आएंगे, बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, राइट। तो आसान लेके चलो, बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिट इज वेरी इजी, राइट गाइस। मैं होमवर्क दे तो देता हूँ, बट आई रियली होप दैट आप इसको सीरियसली लेते हो और प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे। मैं एक जस्ट मीडियम हूँ आपको क्लियर करने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, प्रैक्टिस आपको करनी है,
आगे आपको पढ़ना है मैथ्स अच्छी आपको करनी राइट। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ सिमिलर टू दिस क्वेश्चन जो हमने अभी किया आपकी स्क्रीन पे, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फिर से अगर आपने नहीं लिया हो। सिमिलर टू दिस क्वेश्चन 14 और 15 एग्जाम्पल्स हैं, वो आपका होमवर्क है गाइस, ये आपको करने ही करने हैं। इफ यू हैव टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ पॉलीनोमियल्स, अगर आपको अच्छा करना है तो यू नीड टू डू 14 एंड 15 क्वेश्चंस राइट, ये आपको करना है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज नाउ।